सत श्री अकाल, चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। अमृतसर तो डिब्रूगढ़ तक 26 साल की सब तो संघनी धुंद, कई ट्रेनों से उडाना हुई प्रभावित, राजधानी खेत्र च गैर जरूरी निर्माण कार्यों से भी पाबंदी। श्रोमणी अकाली दल 1 फरवरी तो आरंभ करेगा पंजाब बचाओ यात्रा। सुखबीर बादल ने पंजाबियों नूं कीती खास अपील, यात्रा की डटवी हमायत करन दी कीती बेनती। अध्यापकों की फरलो रोकण की तैयारी च मान सरकार, बंक मारन वालियां ते कसी जावेगी नकेल, पहला बायोमैट्रिक राही लगदी सी हाजिर। हुण खबरां विस्थार दे नाल। उत्तरी भारत के गंगाई इलाके च धुंद की परत छाई रही ते कई थावां ते विजिबिलिटी 0 मीटर रही है। भारत मौसम विभाग ने लोगों नूं बेलोड़ी यात्रा तो बचण ते गड्डी चलाउंदे समय सावधानी वरतण की सलाह दित्ती है। रेलवे के एक बुलारे ने दस्सिया कि धुंद कारण दिल्ली आने वाली 22 ट्रेनां प्रभावित हुई ने। सैटेलाइट तो प्राप्त तस्वीरों पंजाब के उत्तरी राजस्थान तो उत्तर पूर्व तक छाई संघनी धुंद एक परत दिखाई दी है। पूर्वी तट से कितें-कितें धुंद दिखाई दी है। IMD के एक अधिकारी ने दस्सिया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान तो उत्तर प्रदेश च संघनी धुंद छाई रही। उन्होंने कहा कि सर्दियों के इस मौसम से पहली बार है कि अमृतसर तो डिब्रूगढ़ तक, गंगानगर, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज से तेजपुर विजिबिलिटी 0 मीटर से। उन्होंने कहा कि इस मौसम च संघनी धुंद की सब तो लंबी म्याद रही है ते नाल ही हुण तक की सब तो संघनी धुंद। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाबियों को अपील की है कि पंजाब के पंजाबियों को बचाने लिए अकाली दल वालों 1 फरवरी तो शुरू की जा रही पंजाब बचाओ यात्रा की डटवी हमायत करें। इतिहासिक माघी मेले से विशाल सियासी कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने पंजाबियों को आप कांग्रेस गठजोड़ जो अगलिया संसदीय चोणों के संबंध में छेती ही बनने जा रहे नकारन की बेनती की है। उन्होंने कहा कि इन पार्टियां ने तुहानू ते सूबे नूं लुटिया ते हुण गठजोड़ जो कि सूबे के हितों लिए मारू साबित होने वाला है करके तुहाडियां वोटां लुटना चाहते हैं। उन्होंने पंजाबियों नूं यह भी बेनती की है कि वह कांग्रेस ते आप दोवां दा असली किरदार पछाणन। कांग्रेस ते वरदिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1984 श्री दरबार साहब से टैंकों से तोपां नाल हमला किया, दिल्ली ते देश के होर हिस्सों च सिखां दा कतलेआम करवाया। उन्होंने कहा कि दोवें पार्टियां पंजाब विरोधी। सिक्ख्या बोर्ड वालों एक बड़ा फैसला लिया गया है जिस मुताबिक हुण चंडीगढ़ सिक्ख्या विभाग का स्टाफ ते सरकारी स्कूलों के अध्यापक फरलो नहीं मार सकणगे। विभाग बायोमैट्रिक सिस्टम नूं बंद करन जा रहा है। हुण रिंग फेंसिंग सिस्टम नाल सरकारी स्कूलों च हाजिरी लाउण जा रहे विभाग अध्यापकों ते अधिकारियों ते शिकंजा कसण लई रिंग फेंसिंग ऐप सॉफ्टवेयर राही हाजिरी संबंधी तैयारियां कर रहे हैं। अध्यापक ज अधिकारी नूं मोबाइल में ऐप लाजमी तौर पर डाउनलोड करना पवेगा। ऐप स्कूल या दफ्तर के दायरे में आउंदिया ही शुरू हो जाएगी ते जिवें ही बाहर बंद होगी। स्कूल या दफ्तर में दाखिल होंदे ही अध्यापक या अधिकारी ऐप चालू करके चेहरा दिखा के हाजिरी लवानी पेगी। उस तो बाद इंटरनेट नूं ड्यूटी दौरान भी चालू रखना पेगा। इस ऐप नूं सरकारी स्कूलों के 5500 अध्यापक के 50 तो बाद अफसर इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान 4थी श्रेणी के कर्मचारी ऐप नाल नहीं जुड़नगे। ड्यूटी दौरान दूजे स्कूलों में मीटिंगां ते सैमीनारां च हाजिर होने वाले अध्यापकों लिए ऐप में एक बदल तैयार किया जा रहा है ता जो हाजिरी उस अनुसार दर्ज की जा सके। माँ वैष्णो देवी भवन से पुरातन गुफा के किवाड़ विधि पूर्वक पूजा नाल खोल दिए गए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को बहुत घट समय लिए पुरातन गुफा के दर्शन करने की इजाजत मिलेगी। मकर संक्रांति के मौके विधि पूर्वक पूजा दौरान श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग समेत बोर्ड के होर उच्च अधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद सन जिन्हों वालों विधि पूर्वक पूजा नाल पुरातन गुफा के किवाड़ खोल दिए गए हैं। हालांकि माता वैष्णो देवी के दर्शनों नहीं आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के दर्शन करने का मौका उदों ही मिलेगा जदों श्रद्धालुओं की गिनती 10,000 तो घट होगी। इस संबंध में गल करते हैं श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने दस्सिया कि प्राचीन परंपरा अनुसार मकर संक्रांति के मौके पूजा करने तो बाद गुफा को खोल दिया गया। उन्होंने कहा
है कि श्राइन बोर्ड की कोशिश रहेगी कि वध तो वध श्रद्धालु पुरातन गुफा के दर्शन कर सकन, पर भीड़ प्रबंधन नूं देखते हुए हर ढुकमा कदम चुकते हुए पुरातन गुफा के दर्शन करन की इजाजत दी जाएगी। प्रधानमंत्री दफ्तर ने दसिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी नूं यानी कि अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐलान करेंगे। तो दोपहर 12 बजे ग्रामीण के 1 लाख लाभपात्रियों को पहली किश्त जारी करेंगे। उन्होंने दसिया कि प्रधानमंत्री इस मौके लाभपात्रियों नाल भी गल करेंगे। इस योजना तहत कमजोर परिवारों ते बस्तियों नूं सुरक्षित रिहायश, साफ पीण वाले पानी ते सैनिटेशन वर्गियां बुनियादी सहूलतां नाल लैस करके सेहत ते पोषण विच सुधार करना ते समाजिक आर्थिक स्थितियां नूं सुधारना। पंजाब सरकार वालों पिछले लंबे समय तो अधूरे पे इंतकालां दे मामलों नूं निपटाउण लई अज दूजा विशेष कैंप लाया जा रहा है। इस बारे मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों ट्वीट करके जानकारी सांझी की गई। उन्होंने लिखा कि अज 15 जनवरी नूं दोबारा पूरे पंजाब दीआं तहसीलां ते सब तहसीलां च इंतकाल दे पेंडिंग मामले निपटाउण लई विशेष कैंप लाए जा रहे ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की खजलखुआरी घटाउण लई साडी सरकार वचनबद्ध है। दस दिए कि 6 जनवरी नूं लगाए गए विशेष कैंपां च 31,000 तों वध जमीनां दे इंतकाल होए सी। लिया पुनर्वास ते आपदा प्रबंधन विभाग ने सूबे दे सारे डिप्टी कमिश्नरां नूं हुक्म जारी कीते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं इस गल ते विचार करन दा हुक्म दिता है कि हिट एंड रन हादसियां च मौत जां गंभीर जख्मी होण ते मुआवजे दी रकम सालाना वधाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं 8 हफ्तियां च ढुकवां फैसला लैण लई कहा ते मामले दी सुनवाई लई 22 अप्रैल दी तरीक तय कीती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र कीता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ए व्यवस्था प्रदान करदा है कि हिट एंड रन हादसियां च किसे व्यक्ति दी मौत होण दे मामले च 2 लाख रुपए दा मुआवजा जां केंद्र सरकार वालों निर्धारित इस तरह की वध तो वध राशि अदा की जाए ते गंभीर रूप से जख्मी होने के मामले च मुआवजा 50,000 रुपए हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस नूं इस तरह के हादसों के पीड़ितों के परिवारों नूं इस कानून तहत मुआवजे की योजना बारे जानकारी देने लई भी कहा है। अयोध्या च 22 जनवरी नूं राम मंदिर दी प्राण प्रतिष्ठा है। इस समारोह च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। इस मौके उत्तर प्रदेश समेत कई सूबियां ने ड्राई डे का ऐलान किया है। 22 जनवरी नूं ना सिर्फ अयोध्या सगों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, असाम आदि सूबियां ने ड्राई डे का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश च मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिता है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सूबे च शराब की विक्री नहीं होगी। सब तो पहला छत्तीसगढ़ च 22 जनवरी नूं शराब की विक्री ते पाबंदी लाई गई सी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले हफ्ते सूबे च ड्राई डे का ऐलान किया। असाम च भी इस दिन शराब की विक्री नहीं होगी। सैर सपाटा मंत्री जयंत मला बरुआ ने 22 जनवरी ड्राई डे ऐलान का फैसला किया। राजस्थान च भी ड्राई डे रहेगा। वित्त विभाग वालों 22 जनवरी को अयोध्या च श्री राम जन्मभूमि से बने मंदिर च भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर राजस्थान च ड्राई डे ऐलान किया गया। सहारनपुर के थाना देवबंद खेतर विच लड़की नूं भजाउण दे रंजिशन 4 लोगों ने घर विच दाखिल होकर कुटमार की है, जिस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने मुलजमा खिलाफ थाना कोतवाली च दरखास्त दे के इंसाफ की मांग की है। जानकारी के अनुसार कोतवाली खेतर के पिंड हाशिमपुर विच देर रात काफ़ी हंगामा होया। इस दौरान इकबाल नामी व्यक्ति के घर दाखिल होकर 4 व्यक्तियों ने उसकी बेटी ते मुस्कान ते मुकदमा वापिस लैण का दबाव पाया, पर जदों मुस्कान ने मुकदमा वापिस लैण तो मना किया तो इन्होंने उसकी मार की, जिस दौरान मुस्कान के पिता की मौत हो गई है ते 2 भैणां उस दियां जख्मी हो गई ने। फिलहाल पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है। हुण नजर मार दी अज दे मौसम दे हाल दी वल।
इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवियां ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। धन्यवाद।